है छोटी सी बालिका का कि तीर्थंकर नाम कर्म कब कैसे और क्यों बनता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं और जितने टीचर्स होते हैं उनसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन टीचर्स को टीचिंग सिखाने वाला जो प्रिंसिपल होता है वो कम होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे साधु होते हैं, साधुओं से भी बहुत ज़्यादा गृहस्थ होते हैं जो साधना करते हैं, और साधु और गृहस्थ को ज्ञान देने वाला, उन सबको मार्ग देने वाला, उन सबको मुक्ति का रास्ता बताने वाला वो तीर्थंकर होता है। ठीक है, अब तीर्थंकर कौन बनेगा? जिसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ और इतनी एबिलिटीज़ है कि वो सब खुद भी मुक्त हो सकता है और औरों की भी मुक्ति के लिए मार्ग बना सकता है, सबको बोध दे सकता है, सबकी चेतना के लेवल को रेज कर सकता है, वो तीर्थंकर होता है। अब उसके अंदर क्या भावना होती है कि वो तीर्थंकर बनता है? उसके अंदर ये भावना कभी नहीं होती कि केवल मेरा मोक्ष हो, केवल मैं तीरूं। उसके अंदर भावना होती है सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबको ज्ञान प्राप्त हो, कोई भी इस दुनिया में दुखों के चक्रव्यूह में न फंसे, सब लोग बोधि को उपलब्ध बने, सब लोग मुक्ति को उपलब्ध बने, सब लोग जीवन के सारे दुखों से मुक्त बने, ये भावना उसके अंदर बहुत 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 गहराई में होती है, एक बात। दूसरी बात, उनके अंदर में ये भावना भी होती है कि जब मुझे सत्य मिलेगा तो मैं सबको बताऊंगा, जब मुझे सत्य मिला तो मैं सबको बताऊंगा, तो ये भावना उनको तीर्थंकर तक ले जाती है। ठीक है, दूसरा, जब कोई व्यक्ति तीर्थंकर के समीप रह करके भी अगर तीर्थंकर के प्रति बहुत प्रेम से समर्पित होता है, विनय से समर्पित होता है, उनके ज्ञान की गहराई में जाता है, और गहराई में जाने के बावजूद वो अपने भीतर के ज्ञान को प्रकट करके भी बहुतों के कल्याण में सहयोगी बनना चाहता है, तब भी कोई जीव तीर्थंकर बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही कई जीव दुनिया में बहुत सारे दुख द्वंद संघर्षों से गुजरते हैं, और जब इतनी कठिनाइयाँ प्रतिकूल हालातों से कोई लोग गुजर रहे होते हैं तो कईयों के मन में क्या आता है, जैसे सपोज़ आप और हम हैं, अगर कभी हमारी ज़िंदगी ऐसी होती कि हमें बहुत गरीबी में से गुजरना होता या हमें बहुत बीमारियों में से गुजरना होता, तो हम क्या सोचते कि मैं ठीक हो जाऊँ, यही सोचते ना। लेकिन वो क्या सोचते हैं जब वो कठिन हालातों से गुजरते हैं, तब कि जैसे इन कठिन हालातों से मैं गुजर रहा हूँ ऐसे कठिन हालातों से कोई और को ना गुजरना पड़े, मैं कुछ ऐसी व्यवस्था बनाऊँ कि कोई और इन कठिन हालातों से ना गुजरे। पूना में एक परिवार है जिनका बेटा मेंटल रिटायर्ड थोड़ा था, तो उन्होंने अपने मेंटल रिटायर्ड बेटे की बहुत अच्छी परवरिश करी, और उनके मन में क्या आया कि जैसे मेरा बेटा मेंटल रिटायर्ड है, मैं तो अमीर हूँ, मैं तो उस बच्चे को अफोर्ड कर लूँगा, ज़िंदगी भर सारे खर्चे अफोर्ड कर लूँगा, लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों और भी तो मेंटल रिटायर्ड बच्चे हैं जिनकी कि मम्मी पापा उन बच्चों की पूरी ज़िंदगी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, दुखी हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे, तो क्यों ना मैं बहुत सारे मेंटल रिटायर्ड बच्चों को एक अच्छा सा रोज़गार अवेलेबल करवाऊँ, उनकी अच्छी देखभाल करूँ। तो अपने एक बच्चे के दुख ने उनको इतना संवेदनशील बनाया कि उनको इस तरह के जितने बच्चे हैं उन सब के दुखों को समझ में आया, और उन सब के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई, बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली जिसमें सब मेंटल रिटायर्ड बच्चों को काम करना सिखाया और उनको कमाना सिखाया और उनकी ज़िंदगी को एक अच्छा आकार दे दिया। ठीक है, तो कितनी बड़ी भावना है। ऐसे ही एक ब्लाइंड पर्सन पूना में है जो अपनी ब्लाइंडनेस के बावजूद बहुत स्वाभिमानी है, कभी किसी के सामने उन्होंने हाथ नहीं पसारे। उनको क्या ख्याल आया कि मैं ब्लाइंड हूँ लेकिन मैं कमा सकता हूँ, उन्होंने खुद ने कमाया, फिर उनको ख्याल आया कि अगर मैं कमा सकता हूँ तो ऐसे हजारों लाखों ब्लाइंड और पर्सन हैं, क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने उन सबके लिए कार्य किया और आज की बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली एशिया में, उनको बहुत बड़े स्तर पर प्राइज़ भी मिला, सब कुछ मिला, तो उनकी भावना कितनी बड़ी थी, है ना। तो क्या हमारी कभी भावना होती है ऐसी? तो तीर्थंकर कौन बन सकता है? जिसकी भावना विराट हो, उदार दिल हो, जो सब कठिन हालातों से गुजरते हुए ये सोचता हो कि इन कठिन हालातों से मैं ऐसा समाधान निकालूं कि मेरे साथ ही मैं और किसी को इन कठिन हालातों में कभी गुजरना ना पड़े, वो आदमी किसी समय तीर्थंकर होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, तो उसे तीर्थंकर गोत्रबंध भी हो जाता है। ठीक है, जय हो।